दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू सर्वाइवल सीरीज की वीडियो। तो आज हम बनाने वाले एक फूड फार्म। सो कल जब मैं अपने सर्वाइवल सीरीज में गेम खेल रहा था उस टाइम मैं माइनिंग कर रहा था और यार उसमें एक जो स्केलेटन था ना उसने मुझे बहुत गंदे तरीके से मारा, मतलब बहुत ज्यादा, और मैं मर गया क्योंकि मेरे पास कुछ खाना ही नहीं था। तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक फूड फार्म बनाया जाए, और ये फार्म हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक होने वाला है। और तुम देख ही सकते हो मेरा हेल्थ कितना कम है, मैंने 2 दिन से खाना तक नहीं खाया है। भाई तुमको विश्वास नहीं होगा पर मैं अपने सर्वाइवल सीरीज में 2 दिन तक खाना नहीं खाया हूँ। और गाइस तुम देख सकते हो मैंने अगले बार ये घर बनाया था, और ये हमारा घर बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और अंदर से मैंने बहुत कुछ काम नहीं किया है। यहाँ पे तुम देख ही सकते हो अंदर में सिर्फ डर्ट ही डर्ट है, मैंने यहाँ का डर्ट भी साफ नहीं किया। और यहाँ पे नॉर्मल सा एक बेड है जिसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है। तुम ऊपर का भी नजारा देख सकते हो, ऊपर भी बहुत अच्छा है। ऊपर वाले रूम को भी मैंने अभी तक अच्छा से डेकोरेट नहीं किया है। डेकोरेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई सामान ही नहीं है, मैं माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत गरीब हूँ, बहुत, मेरे पास खाने तक के लिए खाना तक नहीं है। सो हमारा फूड फार्म यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे जितने भी घास फूस है इन सबको मुझे जल्दी से हटानी होगी। सो हमने इस जगह को एकदम साफ कर ली है, तो मुझे भी बहुत सारे वुड की जरूरत पड़ेगी, तो चलो जल्दी से जाके वुड तोड़ लेते हैं। अभी हमने बहुत सारे लकड़ियाँ, मतलब हमने बहुत सारे भी लकड़ियाँ काट ली है। अबे साले माफ करना, जरा जबान उधर उधर फिसल जाती है। तो अभी मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ तुमको भी एकदम वैसा वैसा ही करना है। तुम देख सकते हो मैं चारों तरफ से 4-4 ब्लॉक्स की डिग कर रहा हूँ, तुमको भी एकदम सेम टू सेम ऐसा ही करना है। जब तुम्हारा पूरा काम हो जाए तब तुम बीच में एक कंपोस्टर लगा देना ताकि हमारे विलेजर्स जो है जॉब को एक्सेप्ट कर सके। कंपोस्टर लगाने के बाद तुमको यहाँ पे चारों तरफ से 5-5 ब्लॉक्स की पिलर्स उठानी है, और मैं यहाँ पे वुड लगा रहा हूँ। तुम चाहे तो कोई भी लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पे वुड इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा यूनिक दिखे। बस तुम्हारा मन करे तो तुम यहाँ पे स्टोन भी लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पे वुड लगा रहा हूँ। इतना हो जाने के बाद तुम यहाँ पे ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से ब्लॉक्स लगा देना। अभी तक तो तुमको ये काम बहुत आसान सी लग रही होगी, मतलब तुम सोच रहे हो यार मतलब फूड फार्म बनाना इतना ईजी है, पर नहीं मेरे भाई, अभी यहाँ पे मुझे विलेजर्स को लाना है। तुम समझ सकते हो मतलब कितना ज्यादा हार्ड है विलेजर्स को लाना सर्वाइवल सीरीज के अंदर। सो हमारे फूड फार्म का जो आधा काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और मैं अभी यहाँ पे ग्लास लगा रहा हूँ। तुम चाहे तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, पर मैं अभी यहाँ पे ग्लास लगा रहा हूँ। तो मैं जो सबसे मुश्किल काम की बात कर रहा था वो है ये, मतलब अब तुम समझ सकते हो मतलब एक विलेजर को एक बोट के सहारे, वो भी एक रस्सी से खींच के तुमको अपने फूड फार्म के अंदर तक ले जानी पड़ेगी। मतलब वो इतना दूर है हमारा फूड फार्म, और इसको मैं खींच के कैसे ले जाऊँ। अब देखो अब ये रस्सी टूट जाएगी, अब मुझे यहाँ पे वाटर का यूज करना पड़ेगा। तो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ उसको पहुँचाने के बाद। तो फाइनली हमारा एक विलेजर यहाँ पे आ चुका है, पर मुझे यहाँ पे और एक विलेजर लाना है। यार ये दुख काय नहीं खत्म होता है। इतना काम हो जाने के बाद तुमको यहाँ पे हॉपर लगा देनी है चेस्ट से कनेक्ट करके। हॉपर लगाने के बाद मुझे इन तीनों के ऊपर ट्रैपडोर भी लगानी होगी। भाई मुझे माइनक्राफ्ट की लॉजिक ही समझ में नहीं आती, अगर मैं यहाँ पे ट्रैपडोर लगा दूंगा तो विलेजर डालेंगे कहाँ से फूड, कोई सेंस इस बात की। ओके तो हमारा आधा से ज्यादा काम हो चुका है, मुझे अपने जो चेस्ट है उसके बगल में एक फ्लेचिंग टेबल रखनी है, और यहाँ पे मुझे कवर कर देना है एक बिल्कुल एक छोटे से रूम जैसा ताकि मैं यहाँ पे दूसरे विलेजर्स को ला सकूँ। सो यार हमारा फूड फार्म जो है एकदम बनकर तैयार हो चुका, तुम देख सकते हो एकदम खतरनाक लग रहा है, और इसने अभी से ही मुझे बहुत सारे फूड देना भी शुरू कर दिया। और अंदर में हमने बहुत सारे ग्लोइंग ब्लॉक्स लगा दिए ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे और अंदर में थोड़ा सा भी अंधेरा ना रहे, वरना अगर अंधेरा हो गया तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज स्पॉन हो जाएंगे इसलिए। और मुझे पता है मैं बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे फाइनल सेमेस्टर्स के, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, और मैं एक महीना से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, इसलिए हमारे चैनल का रीच भी बहुत ज़्यादा डाउन चला गया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करो, थोड़ा सा एक कमेंट्स कर दो प्यारा सा, इससे हमारी रीच थोड़ी बढ़ेगी चैनल की। और अगर तुमको हमारा वीडियो और ये फूड फार्म अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और तुमको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और हाँ तुम हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और तुम मुझे कमेंट्स करके बताओ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या करनी चाहिए क्योंकि मेरा एग्जाम जो है खत्म हो चुका है, अब हम मचाएंगे। और भाई सच में हमारे चैनल की रीच जो है बहुत ज्यादा डाउन चल रही है, इसीलिए भाई अगर तुम चाहो तो हमारे पुराने वीडियो जाके देख सकते हो, हमारे चैनल में बहुत ज्यादा अच्छे हैं वीडियो, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम जाके देख सकते हो, इससे हमारी हेल्प हो जाएगी बस और कुछ नहीं। और गाइस एग्जाम तो मेरा खत्म हो गया, पर अभी और एक टेंशन है वो है रिजल्ट। सबको को लगता है कि मैं इस बार टॉप करूंगा, पर मुझे ही पता है मैं टॉप तो करूंगा पर लास्ट से। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, अगर तुमको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ तुम कमेंट्स करना ठीक ना, तब तक के लिए जय श्री राम।